दीपावली एक ऐसा पर्व है जो सभी संप्रदाय के सभी पंथ के लोग इसको मनाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी की आवश्यकता सभी को है। सनातन धर्म को मानने वाले और न मानने वाले दोनों लोग इस दीपावली में भगवती लक्ष्मी की उपासना करते हैं। नाना प्रकार के उपाय किए जाते हैं लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, किंतु ऐसे भी उपाय हैं जिनके करने मात्र से ही व्यक्ति विदेश में गई लक्ष्मी भी आ जाती है। आपकी जो संपदा दूसरे के हाथ में चली गई हो वो भी बिना मांगे मिल जाती है। उसके लिए करना आपको ये है, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ दीपावली की रात्रि में 108 पाठ अगर कर दिया जाए तो पूरे वर्ष लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। एक तो यह हो गया। दूसरा उपाय यह है कि श्री यंत्र दीपावली के एक दिन पूर्व श्री यंत्र घर में ले आए। दीपावली के दिन अर्थात अमावस्या के दिन सुबह उसको नहला करके पंचोपचार पंचामृत से दूध दही घी शक्कर से स्नान कराकर आप उसके श्री यंत्र के चारों तरफ कलावा बांध दें। कलावा बांधने के बाद उसको अपने घर में रख दें। शाम भगवती लाल रुमाल या लाल गमछा बिछा के भगवती का श्री यंत्र उसी पर स्थापित करें। सामने बासमती के चावल, एक भी दाना चावल का टूटा ना हो, उसकी ढेरी लगाएं। उसी पर गाय के घी का दीपक, अगर अभाव में घी का दीपक नहीं है तो तिल के तेल का दीपक जलाएं। और भगवती का सबसे बढ़िया मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मे नमः। सनातन बंधुओं, सायं 7 बजे अगर आपके अंदर हिम्मत है, सायं 7 बजे कमलगट्टे की माला पर बैठ जाए जब करने, प्रातः 4 बजे से पूर्व साक्षात लक्ष्मी आपके सामने होंगी। ये प्रमाणित और परीक्षित है, कई लोगों को कराया और उनको इसका फल मिला है। एक ऐसा प्रयोग जो सिर्फ दीपावली की रात्रि में ही किया जाता है, यह दो प्रयोग। तीसरा प्रयोग अगर आप करना चाहें तो भगवती लक्ष्मी के गायत्री मंत्र का जप करें। ओम महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महामंत्र है, मात्र 16 माला जप करने पर भगवती प्रसन्न हो जाती हैं, ऐसी इस मंत्र की मान्यता है, क्योंकि इस मंत्र में साक्षात नारायण का भी आवाहन है। और भगवती लक्ष्मी नारायण के आवाहन पर, नारायण की प्रेरणा से ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं। आप इसलिए गायत्री लक्ष्मी का जप करें।